अरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आपकी पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या एनर्जीज आती है? जो भी कार्ड्स में आएगा बिल्कुल बताऊंगी। करंट एनर्जी मैं इन कार्ड से देखूंगी, चक्रा विश्रम ओरेकल कार्ड से क्या चल रहा है। ओके आके जे माइकल, प्लीज़ हेल्प मी। जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, प्रेयर एनलाइटनमेंट और क्या है आपके पर्सन की लाइफ में। बहुत अच्छा है, डिसिपेटिंग। पीले पीले कार्ड आ रहे हैं, येलो येलो कार्ड। ओके ट्रिकरी, आपके पर्सन काफी ओके सर्विस। चलो देखते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं कार्ड क्या आता है। अबंडेंस, वाओ। बोरियत क्यों हो रही है भाई इनको? अच्छा, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस एंड फॉरगिवनेस। इम्पास, क्वेस्ट, ग्रोथ। तो गाइज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? प्रेयर कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? फॉरगिवनेस सीख कर रहे हैं। हाँ, जिन लोगों ने उनको तंग किया, बहुत बदतमीजियां दिखाई, मान सम्मान पर ठेस पहुंचाई, यस यस, अब उनको माफ कर दे रहे हैं। भाई मैं पीस चाहता हूं अपनी लाइफ में। अब जो भी तुमने मेरी एनर्जी को लो किया या मेरे मान सम्मान को, तुमने मान सम्मान पर, हिंदी में बोल रही हूँ, आघात किया, तो उसको मैं अब क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि वो जो चीज़ें मेरे को बार बार रिसीव हो रही हैं, आपके बार बार वो एनर्जी रिसीव हो रही है, उसको मैं कट करना चाहता हूँ और आपको माफ़ करता हूँ, रिलीज़ करता हूँ अपनी लाइफ से। क्योंकि वो अब यहाँ पर मेरे को अकेले दिख रहे हैं। अकेले क्यों? हो सकता है अकेले हों वो और उनको बोरियत हो रही है, वो सिर्फ टीवी देख रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं। बट एंजल्स उनको ये कह रहे हैं कि जो भी परिस्थिति है बेटा, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, ठीक है? या आप खाना बना रहे हो, खाना बनाने में मन नहीं लग रहा, या आप अपनी मनपसंद चीज़ बना रहे हो पर बोरियत हो रही है आपको, आपके पर्सन को, सॉरी। तो वहाँ पर एंजल्स उनके साथ हैं। एंजल्स ये कह रहे हैं भाई परेशान मत हो बेटा, जैसी भी परिस्थिति है इसको संभाल, हम तेरे साथ हैं। बट ये तेरा कर्मा है, इसको तो तेरे को हील करना ही पड़ेगा, ठीक है? इससे तो लेसन लेना ही पड़ेगा। तो इसीलिए उनको यहाँ पर एंजल्स मेरे को उनके साथ दिख रहे हैं। दूसरी बात कि प्रेयर तो कर ही रहे हैं, वो प्रेयर तो कर ही रहे हैं। प्रेयर इसलिए कर रहे हैं कि भाई उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाए। बट कहीं ना कहीं वो सोच ही रहे हैं प्रेयर करके, बस उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे अपनी लाइफ में। क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है वो अपने परिवार में ऐसे फंस गए हों, या उनके परिवार में वो कुछ करना भी चाहते हैं, उनका सब कुछ अच्छा हो रहा है, या कुछ कॉल लेटर आ गया है, या कुछ बिजनेस करना चाहते हैं। घर में, घर परिवार में कुछ ऐसा, ऐसी परिस्थिति यहाँ पर आई हुई है कि वो इस परिस्थिति को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए वो अपने काम को ना ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, फोकस नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ये भी एनर्जी है, लेकिन कुछ चीज़ों में अगर मैं बोलूँ तो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, असेंशन उनका भी हो रहा है। बिल्कुल यहाँ पर एनर्जी मेरे को ट्विन फ्लेम्स की आती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आती है। क्योंकि आप सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, बिल्कुल कार्मिक कनेक्शन में भी हो सकते हैं। बट उससे आघात जब आपको मिलता है तो आप यहाँ पर आते हो, आपकी लाइफ में भी कोई सोलमेट आने वाला होता है, या आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम आ चुका होता है लेकिन आपको पता नहीं होता है, तो कन्फर्म कर सकते हैं। एनलाइटनमेंट, आपके पर्सन भी एक लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन उनका शुरू हो चुका है, वो एक आध्यात्मिक की यात्रा पर निकल चुके हैं, अपनी इनर जर्नी, यानी कि इनर अपनी आत्मा और परमात्मा की जो जर्नी होती है। आत्मा जब परमात्मा को जान, आप अपनी आत्मा को जब जान लेते हैं, आप की अंदर की आवाज़ जब ये आती है कि यस यहाँ पर कुछ कुछ करना है, कुछ
कुछ ऐसी ही मेरे को यहाँ पर एनर्जी आ रही है। आपका पर्सन ना बहुत ही डाउटफुल एनर्जी से बाहर निकला है, कन्फ्यूज़न से बाहर निकला है कि यार जो मैं हूँ, जो मैं दिखता हूँ वो मैं नहीं हूँ, और जो मैं नहीं दिखता हूँ वो ही मैं हूँ। यहाँ पर मुझे स्ट्रांग एनर्जी आ रही है, तो यानी कि वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। दोनों कार्ड इकट्ठे ही आए हैं, एनलाइटनमेंट एंड प्रेयर। तो इस फुल मून, ये जो फुल मून आएगा अब, इस फुल मून पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन को पूरी तरह से क्लैरिटी मिलेगी। आपके आपके पर्सन की प्रेयर को ईश्वर ने सुन लिया है और उनकी लाइफ में वो अबंडेंस कहीं ना कहीं आ रही है। कुछ की लाइफ में बिल्कुल आ रही है, जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो उनके पर्सन भी हील हो रहे हैं, उनकी लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये एनर्जी है। हो सकता है उनके घर परिवार में कोई बीमार हो, कोई उनकी दादी, कोई उनकी माताजी, तो इस वजह से भी वो काफ़ी परेशान है, या उनको उनके घर में कुछ ऐसा हादसा हुआ है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए यहाँ पर मेरे को नज़र आ रहे हैं। प्रार्थना कर रहे हैं कि सब भगवान सब ठीक रखना, और उनकी लाइफ में कुछ भी परेशानी थी पैसों को लेके, तो वो भी कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होती दिख रही है मुझे यहाँ पर। एंजल्स उनके साथ हैं गाइस। और क्या है भाई, आपको बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि आप ही उनकी डिवाइन फेमिनाइन हो। यस, क्योंकि आप काम कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, अनकंडीशनल प्यार से सराबोर हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। ओके, द टावर, सेपरेशन है आपके और आपके पर्सन के बीच में। ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है सेपरेशन बिल्कुल भी, क्योंकि सेपरेशन के बारे में भी अगर वो सोच रहे हैं, कुछ ऐसी कुछ चीज़ उनकी लाइफ में अभी घटी हुई है, कुछ ऐसे ऐसी चीज़ हुई है अनएक्सपेक्टेडली, उनको वो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, बट कुछ गड़बड़ तो उनकी लाइफ में हुई है जिससे कि वो पूरी तरह से डीप में चले गए हैं मेडिटेशन में। इसीलिए उनको यहाँ पर एनलाइटनमेंट का कार्ड है। एनलाइटनमेंट मीन्स कि वो अब ईश्वर से जुड़ चुके हैं, स्पिरिचुअल उनकी ग्रोथ हो रही है, असेंशन की जर्नी में है वो। यस, क्लैरिटी उनको कुछ ना कुछ मिली है अपनी लाइफ में, या तो आपको लेके उनको पूरी तरह से क्लैरिटी मिली कि आप कौन हो। कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ऐसा होगा कि आपकी तरफ वो आएंगे, और अभी फ़िलहाल ऐसा ही कुछ उनकी लाइफ में घमासान रायता फैला हुआ है, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा डीप डाउन कोर में जाकर चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर। और यस, परेशानियां हैं बट आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं वो। क्लैरिटी उनको मिल चुकी है क्योंकि एंसेस्टर्स, एंजल्स उनके साथ मुझे दिख रहे हैं। और क्या है, बिल्कुल टेन ऑफ सॉर्ड, काफ़ी पेनफुल सिचुएशन से वो बाहर निकलने वाले हैं, बिल्कुल निकलेंगे। उसके बाद ही आया है द हेरोफेंट, क्योंकि वो स्पिरिचुअल जर्नी में ही आगे बढ़ रहे हैं, एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, एक लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं, अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं। उनको ये पता चल चुका है, क्योंकि झटका बहुत तगड़ा लग चुका है उनको किसी भी तरीके से। यस, नाइन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है द सन। इस बोझे से वो बाहर निकलेंगे, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानेंगे, बिल्कुल जो दिल टूटा हुआ है अब वो उससे बाहर निकलेंगे, क्योंकि सन का कार्ड है, विश उनकी पूरी होगी। विश मींस कि विश क्या है, आप हो डिवाइन फेमिनाइन, आप उनकी विश हो। ठीक है, आप उनकी विश हो, इसी के नीचे विश का कार्ड आया है। ये देखो, आप उनकी विश हो और उनको क्लैरिटी की, मैंने बोला ना क्लैरिटी मिल रही है, सन निकल रहा है, लाइट जलेगी तो सब कुछ साफ साफ दिखेगा ना, तो पूरी क्लैरिटी मिल रही है। अबंडेंस ऑफ लव, मनी, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है। खुशखबरी है गाइस, ये बहुत ज़्यादा काफ़ी हैवी एनर्जीज थी न्यू मून के बाद, आपके पर्सन की लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आए हैं, वो इस जो स्ट्रेस था जो भी थर्ड पार्टी का, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, जिन्होंने उनको परेशान किया उनको माफ़ करना चाहते हैं, और बिल्कुल आपके लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, अगर आपने अच्छे से वर्क अपने ऊपर किया है। बिल्कुल सन का कार्ड है, सब कुछ यहाँ पर ठीक हो जाएगा आपकी लाइफ में, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में ठीक हो रहा है। तो आपके कोई क्वेश्चन है तो बताओ एंजल्स की, मैं ये कार्ड्स निकाल रही हूँ, आपका कोई क्वेश्चन है मन में देखो, सोचो, और एंजल्स आपको जवाब दे देंगे। मैं दो कार्ड निकालूंगी, एंजल्स जितने भी देंगे, तीन या दो, बिल्कुल हम देखते हैं क्या देते हैं। तो ये एनर्जी है आपके पर्सन की। ओके, एंजल्स ने कार्ड दिया है आपके लिए, रिमेन पॉजिटिव। ओ माय गॉड,
और क्या देती हैं देखते हैं, एक कार्ड और लेते हैं भाई, क्या देती हैं एंजल्स हमारी प्यारी सी। बी असर्टिव, यस एक कार्ड और लेते हैं। अनलाइकली, ओके एक कार्ड और लेते हैं, इसके बाद क्या देते हैं, अ ईयर फ्रॉम नाउ, ओके चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। देखिए आपकी क्वेश्चन के आंसर है, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन के आंसर हैं, फोर ग्रुप है और एक ग्रुप का आंसर है रिमेन पॉजिटिव। भाई पॉजिटिव रहो, अगर आप पॉजिटिव नहीं हैं आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी भी वे में डाउट है या कन्फ्यूज़न है उसको दूर करो, पॉजिटिविटी में आओ, बी असर्टिव, बिल्कुल अपने आप से अपने बारे में भी सोचो, दृढ़ता के साथ आगे बढ़ो, अपने बारे में भी सोचना शुरू करो। अगर आप दूसरों के बारे में ही सोचते हो तो बिल्कुल बी असर्टिव। अनलाइकली अदरवाइज कुछ भी अच्छा नहीं होगा, आप नेगेटिविटी में ही घिरे रहोगे, आप पॉजिटिविटी की तरफ नहीं बढ़ पाओगे। ओके ईयर फ्रॉम नाउ, किसी का क्वेश्चन है कि मेरा ये कब होगा, कब मेरा प्यार मिलेगा, कब मेरा पर्सन आएगा, कब मेरे लाइफ में अबंडेंस आएगी, खुशियाँ आएंगी, तो ये एक साल के अंदर अंदर आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ जो आप चाहते हो वो आने वाली है। आपको ज़रूरत है कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, रोमांस बिल्कुल आने वाला है। और किसी की लाइफ में कुछ, अगर लिसन टू योर इंट्यूशन, एंजल्स कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन की सुनो, अच्छा बुरा क्या है, बिल्कुल आप समझोगे, रोमांस बिल्कुल आपकी लाइफ में। अगर आप चाहते हो कि मेरा ट्विन फ्लेम अब मेरी लाइफ में वापस आ जाए, मेरा सोलमेट वापस आ जाए, या मेरे को ऐसा बंदा कोई मिले जो मुझे प्यार करे, बिल्कुल आपकी लाइफ में आ रहा है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, आपको सही दिशा में जाने की ज़रूरत है, सही मेंटोर, सही डायरेक्शन की ज़रूरत है जो आपको नहीं मिला है। अगर आप एंजल्स ये कह रहे हैं कि कम्युनिकेट क्लियरली, मन में कोई भी क्वेश्चन है अगर आप किसी से कुछ पूछना चाहते हो तो क्लियर क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए ताकि जवाब एंजल्स आपको अच्छे से दे सके। इसलिए बोला है चूज़ न्यू डायरेक्शन, नई डायरेक्शन, सही रास्ते पर आपको चलने की ज़रूरत है, सही रास्ते को चूज़ करने की ज़रूरत है, बाकी सब कुछ अच्छा है। ओके अच्छा इनसे भी देख लेती हूँ मैं कि एंजल्स आपको अगर नंबर दिख रहे हैं तो इस टाइप के नंबर, अगर किन को कौन से नंबर दिख रहे हैं एंजल्स जो यहाँ तक आएंगे, प्लीज़ बताइए उनके लिए क्या जवाब आएगा। ओके बहुत सारे क्वेश्चन वो नंबर्स देती है। 2222 हार्मनी में आप आ रहे हो अपने पर्सन के साथ, 7777 दिख रहा है एनलाइटनमेंट की तरफ आप बढ़ रहे हो, 1234 दिख रहा है रिवॉर्ड्स, आपको बहुत ही ईश्वर आपको बहुत अच्छे से रिवॉर्ड देना चाहता है, यू आर ऑन द राइट पाथ। 999 आपको दिख रहा है तो आप बहुत सारी कर्मा पैकेज रिलीज कर रहे हो। 6666 आपको दिख रहा है कि जो भी डिसीजन आप ले नहीं ले पा रहे थे आप वो डिसीजन ले पाओगे, वो निर्णय ले पाओगे जो आप नहीं ले पा रहे थे अच्छे से, एंजल्स ये कह रहे हैं। एक दो कार्ड और देख लेते हैं भाई, किसी और को भी ज़रूरत लग रही है मुझे नंबर्स की, एंजल्स प्लीज़ हेल्प, इतने सारे नहीं चाहिए, मैं दो कार्ड लूँगी। ओके 101 एंड 1414 यूनिकनेस, आप अपने ऊपर ऐसे काम कर रहे हो कि आप बहुत ही यूनिक हो, आप बिल्कुल दिव्य हो, आप बिल्कुल भीड़ में अकेले चमकते हो, तो यहाँ पर आपके लिए एंजल्स कह रहे हैं कि यस आप एक आपके अंदर एक यूनिकनेस है उसको पहचानो, ठीक है। मिरेकल्स बिल्कुल वन घड़ी में अगर दिखता है 101 आपको तो वो नंबर है ये, और घड़ी में डिजिटल नंबर जो होते हैं 1414 101, इस तरह के नंबर अगर आपको दिखते हैं घड़ी में या कहीं भी तो बिल्कुल मिरेकल्स आपकी लाइफ में आ रहा है, एक नई शुरुआत, नई चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर करने जा रही हैं। तो ये अभी के लिए इतना ही, एंजल्स आपके साथ हैं, बिल्कुल आप अपने एंजल्स को इन्वोक कीजिए, उनसे हेल्प मांगिए, बिल्कुल मैं टाइम टू टाइम ये बिल्कुल लेकर आऊँगी तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि अगर आपको ये नंबर बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज हो रही हैं, बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं एंजल नंबर तो क्यों दिख रहे हैं, ठीक है। तो गाइस अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी।